फुट की रविवार को स्वर्गीय विनोद बिहारी मातो स्टेडियम मुनिडी डीएवी ग्राउंड में दौड़ का आयोजन मुनिडी ओपी प्रभारी रोशन बाड़ा के द्वारा किया गया। इस दौड़ का उद्देश्य प्रतियोगिता परीक्षा में तैयारी कर रहे परीक्षार्थियों के शारीरिक मापदंड एवं दक्षता का आकलन करना था। बालिकाओं के लिए 40 मिनट में 5 किलोमीटर 12 चक्कर एवं लड़कों के लिए 1 घंटे में 10 किलोमीटर 23 चक्कर निर्धारित समय में तय करना था। इस आयोजन में धनबाद बोकारो के सैकड़ों छात्र छात्राओं ने हिस्सा लेकर अपने परिश्रम का आकलन किया। इस दौड़ में लड़की समूह से क्रमशः बबीता कुमारी, मौमिता कुमारी एवं प्रियंका महतो ने प्रथम, द्वितीय एवं तीसरा स्थान प्राप्त किया, जबकि पुरुष वर्ग से सचिन महतो, सौरभ कुमार महतो एवं विकास कुमार सिंह ने क्रमशः प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान प्राप्त किए। ओपी प्रभारी ने इन्हें सेलिब्रेशन चॉकलेट एवं मेडल देकर सम्मानित किया और मार्गदर्शन करते हुए कहा कि निरंतर प्रयास करते रहे, सफलता की प्राप्ति निश्चित तौर पर होगी। अगर पहली सफलता मिलती है तो आप आगामी नए लक्ष्य का निर्धारण करें और फिर से निरंतर प्रयास पर लग जाएं। इससे आपका सफलता का स्तर बढ़ता जाएगा। आपको ज्ञात हो कि रोशन बाड़ा वर्तमान में मुनिडी ओपी प्रभारी हैं। इसके पूर्व में सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, राज्य स्तरीय धावक भी रह चुके हैं। प्रतिभागियों ने थाना प्रभारी व आयोजन को सफल बनाने में सहयोग देने वाले सभी जनों का आभार व्यक्त किया। कहा कि छात्रों को प्रोत्साहित करने वाले इस प्रकार के आयोजन निरंतर होना चाहिए। जो भी मुनिडी का 6 पंचायत है, 6 पंचायत की बच्चियां यहां आती थी और उत्पाद सिपाही का भी जो वैकेंसी निकला है उनका रनिंग होने वाला था अभी लास्ट वीक अप्रैल में, तो उन्हीं को मद्देनज़र रखते हुए लोग 5 किलोमीटर की तैयारी कर रही थी लड़की लोग, और जो बॉयज़ थे वो उनका 10 किलोमीटर का रनिंग है। तो उन्होंने कहा कि सर एक बार हम लोग का टेस्ट ले लीजिए, तो उनकी बातों को मैं अपना संज्ञान में लिया, फिर उनको आज यहाँ 24 तारीख को रनिंग अभी स्टार्ट कराए हैं। देखते हैं कितना कोई पास हो पाता है। इसमें कोई भी पार्टी वोटी इसमें शामिल नहीं हुआ है, हम लोग अपने स्तर से ही किए हैं और देखते हैं अभी क्या होता है आगे। इसके बाद बॉयज़ का भी रनिंग है 10 किलोमीटर का, इसमें 12 चक्कर राउंड लगाना है इनको, 450 का ट्रैक है।